अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सतरंगी गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि वो हमारी वीडियो कटिंग पर है और आज कटिंग के बारे में ही आप लोगों से शेयर करूँगी और बताऊंगी कि हम लोग कौन कौन से प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं और जो मैंने प्लांट्स कटिंग करके लगाए थे वो मेरी कटिंग से कितने प्लांट मेरे रेडी हो चुके हैं। तो यही सारी बातें आप लोगों से शेयर करूंगी और सारे प्लांट आप लोगों को दिखाऊंगी जो जो मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ये हिबिस्कस का फ्लावर आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत। इसकी बड्स देखिए कितनी बड़ी है और ये प्लांट्स मेरा एक साल का हो गया है। इसको मैंने लास्ट ईयर लगाया था कटिंग से। इसकी कटिंग मैंने सिर्फ़ एक पेंसिल कटिंग ली थी, बहुत ज़्यादा पतली कटिंग इसकी थी, ये इतनी सी। तो ये फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा मेरा प्लांट हो चुका है और इसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर आ रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए बहुत खूबसूरत फ्लावर आ रहे हैं, इतने भर भर के आ रहे हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस प्लांट को ये मानसून सीज़न में इसकी कटिंग ज़रूर लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा प्लांट है और बहुत जल्दी ही ग्रोथ ये कर लेता है। और दूसरी बात हम करेंगे मोगरा प्लांट की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मोगरा प्लांट ये भी मैंने कटिंग से लगाया था, हाइट आप इसकी देख सकते हैं, ये पहुँच गई है। और इसकी भी कटिंग जो मैंने लास्ट ईयर लगाए थे प्लांट, उसके वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा ये मेरा मोगरा प्लांट हो गया है, ये देखिए, और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। अब मैं इसकी प्रूनिंग भी करूँगी और क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो गया है, अब प्रूनिंग करूँगी तो इसमें फिर न्यू बड्स आना शुरू हो जाएंगी। और दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है प्राइड ऑफ इंडिया प्लांट। फ्रेंड्स, ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया था लेकिन इसको 3 साल हो गए हैं, इस बार इसको 3री साल है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्लांट है, कितना बड़ा हो रहा है। इसकी भी मैं प्रोनिंग करूंगी और न्यू कटिंग और लगा दूंगी। आप लोग भी रोड के किनारे या कहीं भी आपको इस प्लांट की कटिंग मिले तो आप लोग इसकी कटिंग लगा सकते हैं, नर्सरी से लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं हम तीसरे प्लांट की। तो ये मेरा आप देख लीजिए, ये क्रेप जैस्मिन है, इसको भी मैंने कटिंग से लगाया था। इसकी मैंने 2-3 कटिंग लगाई थी, एक तो ये ग्राउंड में लगा हुआ है, इसको डायरेक्ट मैंने ग्राउंड में ही लगाया था। तो ये प्लांट आप देख सकते हैं मेरा काफ़ी बड़ा है लेकिन अभी इसमें ब्लूमिंग नहीं हो रही है। और चौथे प्लांट्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये मेरा वाइट हिबिस्कस है, इसको भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया था। हाइट मैं आपको इसकी दिखाती हूँ, हाइट देखिए ये जा रहा है, इतनी हाइट इसकी हो चुकी है और मैं प्रूनिंग भी इसकी कर चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेता है। आपको कहीं भी ये प्लांट अगर दिख जाए तो बस छोटी सी कटिंग ले लीजिए, इतनी सी ये एक बालिश की कटिंग ले लीजिए और आप इसको लगा दीजिए, तो ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग तो बहुत जल्दी करने लगता है। और फिर फ्रेंड्स, छठे नंबर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये क्रोटन की कटिंग मैंने लगाई थी, आप देख लीजिए ये क्रोटन भी तैयार मेरा हो रहा है, ये देखिए ये मेरे क्रोटन तैयार हो रहे हैं ये। और 3 वैरायटी में मैंने क्रोटन लगाए थे, एक तो ये वाला और एक ये पतली पत्ती का और एक ये लॉन्ग जो इसके लीव हैं आम के पत्ते की तरह जो लगते हैं। तो ये 3 वैरायटी मैंने क्रोटन की लगाई थी फ्रेंड्स। और नेक्स्ट प्लांट की अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं, ये कनेर प्लांट है, ये हाइब्रिड कनेर है और इसको भी मैंने कटिंग से ही रेडी किया था। ये एक साथ मैंने सारी कटिंग पूरी क्यारी में लगाई थी, ये देखिए वहाँ से यहाँ तक ये पूरी कटिंग मैंने लगाई थी। और इस प्लांट की भी ग्रोथ आप देख लीजिए, ये भी काफ़ी बड़ा प्लांट हो रहा है और इसमें सीड भी निकल आते हैं, अगर आप लोग चाहें सीड भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कटिंग बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। तो आप लोग इसको कटिंग से लगा लीजिए, इस टाइम मानसून सीज़न है, कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। फिर नेक्स्ट प्लांट की बात करें तो रात की रानी। फ्रेंड्स, इसकी मैंने प्रोनिंग कर दी थी और ये बहुत बड़ा प्लांट हो गया था, इसलिए मैंने इसको
कट कर दिया, फिर से इसकी न्यू ग्रोथ होने लगी है और रात की रानी भी बहुत ईजली ही प्रोपोगेट हो जाता है कटिंग से। तो आप लोग इस प्लांट को भी अपने गार्डन में शामिल कर लीजिए। ये सारे मेरे फ्री के प्लांट बने हुए हैं। और नेक्स्ट प्लांट की हम बात करें, सोर प्लांट, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी। ये बच्चों के लिए ठंड जब हो जाती है तो उनको बहुत फ़ायदा करता है। इसमें एक ये लिक्विड निकलता है वाइट कलर का, तो इसको थोड़ा सा गर्म करके बच्चे को दे देते हैं चम्मच में डाल के, तो वो ठंड वगैरह उसकी दूर हो जाती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये एलिफेंट ईयर प्लांट है। फिलहाल ये तो बल्ब से ग्रो होता है, इसको भी मैंने फ्री में ही ग्रो किया था। और ये देखिए मेरी क्रेप जैस्मिन, ये देखिए अब इसमें बड भी आने लगी हैं। और ये एक साल में देखिए कितनी ग्रोथ कर ली है, ये इतना बड़ा प्लांट हो गया है। ये मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है। और ये क्रोटन भी मेरा बिल्कुल रेडी हो रहा है। तो आप लोग, ये सारे फ्री के प्लांट होते हैं, इनको नर्सरी से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसकी कटिंग लगाकर ही प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट की बात करूँ तो ये डेविल बैक बोन, इसको भी मैंने कटिंग से ही रेडी किया था। और इसके मैंने बहुत ज़्यादा प्लांट रेडी किए हैं और इस बार भी मैं काफ़ी कटिंग लगाऊँगी और मेरे प्लांट और भी ज़्यादा बन जाएंगे। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट की बात करूँ अगर, तो आप लोग देख सकते हैं ये टेबल बैकबोन मैंने रेडी किया था। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन से प्लांट कटिंग से ग्रो किए थे। ये देखिए येलो कनेर, इसको भी मैंने कटिंग ही इसकी लगाई थी। और ये देखिए ये भी काफ़ी बड़ा प्लांट हो रहा है। और फिर नेक्स्ट प्लांट की बात करूँ तो ये डॉर्फ हिबिस्कस है, इसमें भी बड्स आने लगी हैं फ्रेंड्स। जब फ्लावर आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और मैक्सिकन पिटोनिया, ये भी मैंने कटिंग से तैयार की थी। ये सारे मेरे फ्री के प्लांट हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।